हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? जैसा कि आप देख रहे हो, ये टी एस ग्रेवाल की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 93 मैं इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, उसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आलिया भानु चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इसमें आगे क्या आ रहा है कि ए आलिया एंड चांद वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1,500 ईच पर मंथ। भानु वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 4,000। भानु एंड चांद हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया। भानु और चांद ने आलिया को कितना गारंटेड दिया है प्रॉफिट, 35,000, एंड एनी डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न इक्वली बाय बोथ भानु एंड चांद। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। बच्चों, इसमें उन्होंने 80,000 जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांट दिया है, बिना सैलरी दिए, बिना कमीशन दिए, बिना ये गारंटी दिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया कि यह पास्ट एडजस्टमेंट्स तो है, साथ में गारंटी भी है। गारंटेड प्रॉफिट देने के बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स करना रहता है और उसकी भी उन्होंने एक जर्नल एंट्री मांगी है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 93। मांगा तो उन्होंने जर्नल एंट्री है ना, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये रहा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मांगा वही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दो तरीके हैं काम करने के। एक तो वर्किंग नोट में पहले P&L अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं ताकि गारंटी देना आसान हो जाए, ठीक है जी। गारंटी देना आसान हो जाए, पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में। चलो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट। ठीक है जी, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बाय P&L नेट प्रॉफिट करके कितना बच्चों हमारे पास 80,000। चलो जी, ये 80,000 दे दिया हमने इधर प्रॉफिट। अब क्या देना उनको, टू सैलरी देनी है। अब ध्यान से, सैलरी देनी किस किस को है, सैलरी देनी है 1500 पर मंथ आलिया एंड चांद को। तो आलिया एंड चांद को आपने सैलरी देनी है 1500 इंटू 12 पर मंथ है ना, तो 18,000 आ जाएगा ये। उसके बाद टू कमीशन, कमीशन किसको देना है आपको, भानु को। भानु को कितना कमीशन देना है, 4,000 का। चलो जी, 4,000 का कमीशन दे दिया। अब क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों ये कैसे आएगा, ये 80,000 ये आ गया, ये 80,000 ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको बांट रहा आपने आलिया, दूसरा पार्टनर कौन है, भानु और चांद, ठीक है बच्चों। अब 80,000 के रेशो में बढ़ना है 3 बाय 8 और 2 बाय 8 में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, 80,000 डिवाइडेड बाय 8 करके ये बचेगा 10,000 और ये आ गया 30,000। नहीं, ये बना आपका 80,000, ये 40,000 रह जाएगा ना प्रॉफिट बाकी, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 40,000। 80,000 में से ये 18 दूना 36 और 40 करके 40,000 बच गया प्रॉफिट। अब 40,000 आपको बांटना बटे 8 × 3 करके, ये आ जाएगा 15,000, यहाँ भी 15,000 और यहाँ पे 10,000। बट आलिया को गारंटी कितनी दी है हमने, 20,000 की, 35,000 की, तो 20,000 की तो डेफिशिएंसी आ रही है। तो अब इसको ऐसे करके 35,000 मिल जाएगा, दोनों ने इक्वली बांटना है तो 10-10 करके उनका प्रॉफिट बट जाएगा, ये 5,000 आ गया। और इधर इसका तो पूरा 10,000 कट जाएगा, तो ये किसका रहेगा, इसका तो नील मिला प्रॉफिट फिर। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आलिया का प्रॉफिट कितना बनका उनकी रेशो के हिसाब से, 15,000,
भानु का प्रॉफिट कितना बना बच्चों? 15,000, और चांद का प्रॉफिट कितना बना? 10,000। बट आलिया को हमने गारंटी देनी थी 35,000 की, उसको 20,000 हमें एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा है कि वो कोई भी जो डेफिशिएंसी है वो बाकी रिमेनिंग भानु और चांद किस में बांटेंगे इक्वली, तो 10-10 दोनों में से कट जाएगा। इसमें से 15 में से 10 कट के कितना रह गया? 5, और इसका तो ऑलरेडी सिर्फ 10 ही था, तो 10 में से सारा ही उसके हाथ से निकल गया, तो वो 0 आ गया। ठीक है जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल में जैसा कि आप देख रहे हो 3 पार्ट रहा है, तो वही हमें इसमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक टोटल का भी। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल बनेगा 1, 2, 3, 4 और ये डेबिट क्रेडिट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते, अब तो ये बहुत इजी हो गया। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, पहले है आलिया, उसके बाद कौन है? भानु एंड चांद। ये आएगा टोटल, यहाँ आ गया। पहले सैलरी दे देंगे, सैलरी क्रेडिट कर दोगे किसको किसको देनी है हमने सैलरी? आलिया और चांद को 18,000, भानु को सैलरी नहीं मिलनी, तो इसको ध्यान से फिल करना पड़ेगा आपको। दूसरा कमीशन है, कमीशन सिर्फ देनी है भानु को, वो 4,000 की है, और बाकी अब प्रॉफिट, ठीक है, टू बी क्रेडिटेड। अब प्रॉफिट नेचुरली यही वाला जाएगा इनको 35,000, 5,000 and 0, ठीक है जी, गारंटेड जो प्रॉफिट है 35,000, और क्या बच्चों 5,000, और ये नील, ये 40,000 आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल क्रेडिट्स, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट्स, तो यहाँ पे 80,000 ये देखो पूरा बन गया, और ये 18,000 बन गया, ये 4,000 है बच्चों, कमीशन 4,000 है, 4 और 5 इसका कितना आ जाएगा 9,000, और ये आ जाएगा 18 जमा 35, ये आ जाएगा 53,000, ये कितना आ जाएगा 53,000, और ये आएगा प्रॉफिट टू बी डेबिटेड। अब जो 80,000 विदाउट एडजस्टमेंट वाला वो सारा वापस ले लो, क्योंकि ठीक करके तो हमने यहाँ पे बांट दिया उनको, और वो किस रेशो में? 3:3:2 में बट वापस ले लो, तो बटे 8 करके आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा हमारा 30,000, अगेन 30,000, और ये 20,000, तो ये क्या आ जाएगा आपका टोटल डेबिट्स। तो ये आ गया 30,000 अगेन, और ये 20,000, और ये 80,000 आ जाएगा। यहाँ क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। अब बच्चों ये देखो 53,000 क्रेडिट है, 30,000 डेबिट है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 23,000 क्रेडिट, 9,000 क्रेडिट है, 30,000 डेबिट है, तो 21,000 क्या आएगा डेबिट, 18,000 क्रेडिट है इसका, और 20,000 क्या है बच्चों डेबिट है, तो 2,000 क्या आएगा डेबिट। तो चलो अब आंसर के साथ मिलाते हैं एक बार, डेबिट किसको हो रहा है? भानु को 21,000 से, ये देखो भानु को 21,000 से डेबिट कर रहे हैं। चांद को क्या कर रहे हैं? 2,000 से डेबिट, ये देखो बच्चों चांद 2,000 से डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट किसको हो रहा है? आलिया को, आलिया क्रेडिट हो रही है 23,000 से। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये यहाँ जर्नल एंट्री इसमें फिल कर देनी है इसको देख के। तो चलिए अब मैं इसको भर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा जर्नल, ये आ जाएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले आलियाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नहीं आलिया तो क्रेडिट होगी, आलिया क्रेडिट होगी ना, हाँ डेबिट कौन हो रहा है? भानु, भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और चांद कैपिटल अकाउंट
चांद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आलियाज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है बच्चों, तो अब भानु को कितना जाना है, भानु को डेबिट होगा 21,000 से और ये किसे 2,000 से, और ये कितना आ गया 23,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमें करना था। देखो बच्चों, ये जो जर्नल एंट्री है ये इस तरीके से करनी थी। अब पहले उसके लिए हमें वर्किंग नोट में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेगा, सारी चीज़ें देने के बाद गारंटेड प्रॉफिट निकालने का। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें ये सारी फिगर जो क्रेडिट करी हैं इनको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, उनके एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट दिखा के, और ये सारे का सारा 80,000 जो प्रॉफिट है वो पहले विदाउट एडजस्टमेंट था वो आप वापस ले लो, और नीचे ये नेट इफेक्ट निकाल लो। ठीक है जी, और साथ में ये हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे जिसमें भानु के कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, चांद के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, और आलिया के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यही हमारा आंसर है, एक बार आंसर के साथ मिलाएं। भानुज कैपिटल अकाउंट 21,000, चांस कैपिटल अकाउंट 2,000 और आलियाज कैपिटल अकाउंट 23,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।